हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिक अर्थात व्यवसायिक सांख्यिकी। व्यवसायिक सांख्यिकी का ये तीसरा लेक्चर है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए आप लोग, कॉपी कलम निकालिए, क्योंकि ये समझिए रिविजन सीरीज आपके लिए चल रहा है, ताकि घर बैठे आराम से हम अपना पिछला जो टॉपिक है, पिछला चैप्टर है, उसको आसानी से रिविजन कर। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा और फ्रेंडों में शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला पार्ट, पहले लेक्चर में हमने दो टॉपिक दिया था, दूसरे लेक्चर में भी दो टॉपिक दिया था। ये आपका लेक्चर आपका थर्ड शुरू होता है, या ऐसे समझिए कि एक तरह से यूनिट आपका थर्ड शुरू होता है। इसमें आज का जो सबसे पहला जो मुख्य टॉपिक है, यह है समंकों का संकलन। समंकों का संकलन, समंकों के संकलन में इसमें पढ़ेंगे प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रकार, अर्थात जो ये हमारे समंक होते हैं, जो हमारे ये डाटा होते हैं, वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं। जितने भी आंकड़े या सूचनाएं हम एकत्र करते हैं, तो ये आखिर आंकड़े या सूचनाएं कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह समंकों का संकलन अर्थात जो हमारे समंक होते हैं, यह समंक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होता है प्राथमिक समंक। क्या होता है? प्राथमिक समंक, जिसको अंग्रेजी में प्राइमरी डाटा कहा जाता है। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक, इसे क्या कहा जाता है? इसे अंग्रेजी में सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा होता क्या है। सबसे पहले इसे जानना जरूरी है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा होता क्या। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी डाटा क्या होता है? ऐसी सूचनाएं या ऐसे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहले एकत्र किए जाते हैं। पहले एकत्र करने का मतलब है कि जब वो एकत्र करता है, जब वो कलेक्ट करता है, उससे पहले किसी ने भी कलेक्ट न किया, तो उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी डाटा कहा जाता है। सपोज दैट, मैं एक एग्जाम्पल पे मैं बता रहा हूं। जैसे कि कोई मोबाइल, स्टार्टिंग में देखे होंगे कि आपका मोबाइल कुछ इस टाइप का आया था और बड़ा सा इसमें एंटीना लगा हुआ था। ठीक है, अर्थात इससे पहले मोबाइल हमारा था ही नहीं। हमने एग्जांपल एक मोबाइल पर लिया कि स्टार्टिंग में जब मोबाइल आया था तो काफी लंबा, इतना बड़ा था और इतना बड़ा एंटीना निकला हुआ था, बड़ी दूर दराज ऊंचे पे खड़ा होकर लोग हलो हलो करते थे। इसके मतलब है कि पहले से किसी ने भी इसकी खोज नहीं की। इसको बनाने के लिए उसने जो जो डाटा एकत्र किया, जो जो सूचनाएं एकत्र किया, जो पहली बार उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, ये हमारा क्या लाएगा? प्राइमरी डाटा। ठीक इसी तरह, मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक इसी तर्ज पर जब कोई अनुसंधान करता किसी भी क्षेत्र, किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक के संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी उपयोगी सूचनाएं एकत्र करता है, लेकिन ऐसी उपयोगी सूचनाएं जो पहले से कभी किसी ने एकत्र न की हो और उसे अपने अनुसंधान कार्य में प्रयोग करता है। कहने का मतलब है कि एकदम नए सिरे से एकत्र करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्राइमरी जो डाटा होते हैं वो मौलिक प्रकृति के होते हैं, मतलब एकदम नए सिरे से एकत्र किया जाता। जैसे कि मान लीजिए कि, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस विशेष क्षेत्र में जाइए और कितने खेती करने वाले लोग हैं। चूंकि खेती करने वाले उस क्षेत्र के बारे में किसी ने आंकड़ा पहले से एकत्र नहीं किया है, पहली बार वो व्यक्ति कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी डाटा कहलाएगा। तो प्राथमिक समंक क्या होता है? कि ऐसे समंक जिसे अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम पहली बार एकत्र करता है, एकत्र करने से पूर्व उस प्रकार का डाटा किसी ने एकत्र न किया, एकदम नए सिरे से वो प्रारंभ करता है, तो उसे प्राथमिक समंक, प्राइमरी डाटा कहा जाता है।
प्रश्न ये उठता है कि ये द्वितीयक समंग क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सेकेंडरी डाटा का मतलब है कि ऐसे डाटा, ऐसी सूचनाएं, ऐसे आंकड़े जिसे अनुसंधानकर्ता द्वारा पहले से एकत्र किए गए हैं और उसी के आधार पर, उसी डाटा के आधार पर उसे अन्य किसी कार्यों में उपयोग किया जाता है। अर्थात उन्हीं सूचनाओं के आधार पर हम दूसरे डाटा उपलब्ध करा देते हैं, उसे अन्य उपयोगी कार्य में प्रयोग करते हैं, अर्थात नए सिरे से एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। इसको भी हम इस मोबाइल पे एग्जांपल लेते हैं। पहले मोबाइल ऐसे बना था, लेकिन जब बाद में मोबाइल आया तो बड़ा तो था मगर ये यहाँ का एंटीना कट गया, ऐसा था। तो उसने जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया इसी के आधार पर किया, तो ये सेकेंडरी डाटा कहा। फिर उसके बाद से मोबाइल आया तो थोड़ा साइज उसका छोटा हो गया, फिर मोबाइल आया और उसमें थोड़ा सा क्वालिटी फैंसी हो गया, कीपैड वाला हो गया, कलर एंड ब्लैक एंड वाइट हो गया। फिर उसके बाद से क्या आया, मल्टीमीडिया आया, कीपैड वाला मल्टीमीडिया। फिर उसके बाद से क्या आया, अच्छा सा एक एंड्रॉयड आ गया आया। उसके बाद से बहुत सारे कंपनियां अलग अलग वैरायटी की मोबाइलें लॉन्च की, लेकिन ये सारी मेथड, सारी टेक्नोलॉजी इसी के तर्ज पर धीरे 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 प्रोग्रेस हो गई। जिस तरह एक जनरेशन पीढ़ी हमारी आपकी शुरू में जब सभ्यता का सब विकास हुआ तब उस समय आई थी, धीरे 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 क्या हुआ, कन्वर्ट होते गया। उसी तरह आज की जो टेक्नोलॉजी है, पुराने टेक्नोलॉजी के आधार पर धीरे धीरे उसमें कुछ डेवलपमेंट किया गया ताकि कुछ अलग हट कर दिखे, नए जमाने के साथ दिखे। ये सब क्या है, सेकेंडरी डाटा। उसी तरह जब अनुसंधान करता किसी भी प्रकार की सूचनाएं जो पहले से एकत्र है, उन्हीं एकत्र सूचनाओं के आधार पर वो नई सूचनाएं प्रस्तुत करता है या किसी अन्य उपयोगी कार्य में प्रयोग करता है, तो उसे सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। तो पक्का है कि कन्फर्म हो गया कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा होता क्या। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आते हैं कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में अंतर क्या होता है। अंतर मान लीजिए हमें अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंट। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या अंतर है, मुख्य अंतर क्या है, कि जो प्राइमरी डाटा हमारा होता है वो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार नए सिरे से एकत्र किया जाता है। इसे एकदम नए सिरे से क्या किया जाता है, एकत्र किया जाता। इसे क्या है, यह प्राथमिक डाटा के आधार पर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। दूसरा क्या फायदा होता है, जो प्राइमरी डाटा होता है इसको एकत्र करने में क्या होता है, समय भी अधिक लगता है और पैसा धन भी अधिक खर्च होता है। क्योंकि कोई भी कार्य एकदम नए सिरे से जब आप करेंगे आपका एक्सपेंसेस होगा ही, टाइम भी लगेगा। अब कोई बना बनाया रखा हुआ है उसको उपयोग में लिया दिए तो उसमें कम खर्च लगेगा, कम समय लगेगा, ठीक है। इस एकत्र करने में समय, धन व श्रम अधिक लगता है, क्या होता है, अधिक लगता है। इसमें क्या होता है, इसे एकत्र करने में क्या होता है, समय भी कम लगता है, धन भी कम लगता है और श्रम क्या होता है, कम खर्च होता है, बस समझ में, कि जो प्राइमरी डाटा है इसको एकत्र करने में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक धन की आवश्यकता होती है, टाइम भी अधिक लगता है। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी डाटा है इसको एकत्र करने में टाइम भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा, पैसा भी खर्चा कम होगा, ठीक है। अगला क्या है,
जो प्राइमरी डाटा है वो मौलिक प्रकृति के होते हैं। ये क्या होते हैं? ये मौलिक प्रकृति के होते हैं, मौलिक प्रकृति के होते हैं। मौलिक प्रकृति का मतलब है कि एकदम बिल्कुल नए सिरे से किए जाते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है? सेकेंडरी डाटा ई अनावर्तक, अनावर्तक स्वभाव के होते हैं, स्वभाव के होते हैं। और क्या होता है? जो हमारा प्राइमरी डाटा है उस पर अधिक हम विश्वास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही को कोई कार्य करने के लिए गए, खुद अपने मेहनत से, परिश्रम से, टाइम से कुछ भी कार्य किए, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। जो गया भले किसी से काम करा लिया, पता नहीं सही हुआ कि गलत हुआ, कैसे हम भरोसा करेंगे? तो जो द्वितीयक संबंध है उस पर विश्वास कम होता है। प्राइमरी संबंध में क्या होता है कि ये डाटा क्या होते हैं? विश्वसनीय होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। इसमें क्या होता है? ये कम विश्वसनीय होते हैं, कम विश्वसनीय होते हैं। क्यों होते हैं? कि भाई जो खुद ने काम किया उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और अंतिम इसमें है कि जो प्राइमरी डाटा है वो उद्देश्य के अनुरूप होते हैं, अर्थात जिस कार्य के लिए हम वो सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं केवल उसका उद्देश्य केवल वही होता है। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है उसका उद्देश्य अनेकों होता है, उसके डाटा का उपयोग वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में कर सकता है। तो ये क्या होता है कि ये संबंध का मतलब प्राथमिक संबंध उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं, उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं। ये क्या होते हैं? ये उद्देश्यों से हटकर या बहुउद्देशी होते हैं, होते मतलब वो कई उद्देश्यों के लिए पूर्ण किए जाते हैं। तो ये तो था हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इन प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, एकत्र कैसे करते हैं। मान लीजिए प्राथमिक संबंध है और द्वितीयक संबंध है, प्राथमिक संबंध है और द्वितीयक संबंध है। ये तो जान गए कि प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रश्न ये उठता है कि हम प्राइमरी डाटा को कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे हम प्राप्त करते हैं, और सेकेंडरी डाटा को कैसे प्राप्त करते हैं, उस स्रोत कौन कौन से हैं जहां से प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को एकत्र किया जाता है। देखिए इसको मिटा रहे हैं, अब उसको भी जान जाइए आप लोग कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं अभी लिखा था इस पर क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि समंकों का संकलन किस प्रकार किया जाता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समंक कितने प्रकार के हो। तो सीधा सा क्वेश्चन है, समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक, दोनों के बारे में समझा देना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक क्या है समझाइए और इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। ये डायरेक्ट छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्राथमिक डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में अंतर बताइए। तो इस पर कई टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि समंकों के संकलन की रीतियां क्या है, समंकों के संकलन की रीतियां, समंकों के संकलन की कौन कौन सी रीतियां। ध्यान दीजिए प्रश्न अब दो टॉइट पार्ट में बट गया, तो सबसे पहले एक ही पार्ट में चल रहा है, इसकी विधियों में सबसे पहले प्राथमिक समंकों का संकलन। ध्यान दीजिएगा प्राथमिक समंकों का संकलन कैसे किया जाता है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, अर्थात प्राइमरी डाटा को हम कैसे एकत्र करते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां दी गई है। तो ध्यान दीजिए कि प्राथमिक डाटा को हम कैसे एकत्र करते हैं।
सबसे पहला इसकी विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। क्या है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या होता है कि जब अनुसंधानकर्ता, समझिएगा ढंग से, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर व्यक्तिगत रूप से या अपने साथ सहायकों के माध्यम से अनुसंधान कार्य के लिए जो भी सूचनाएं एकत्र करता, समझिएगा, जब कोई अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर, मैंने व्यक्तिगत रूप से खुद या अपने सहायकों के माध्यम से स्वयं अनुसंधान कार्य के लिए जो भी उपयोगी सूचनाएं हैं उसे एकत्र करता है और अपने यूज में लाता है तो उसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहा जाता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के लिए जरूरी है कि अनुसंधानकर्ता में एक अच्छा कौशल हो, युक्ति हो, शुद्धता हो, सौजन्यता हो, तटस्थता हो, क्योंकि ये सब धैर्यता उसके अंदर रहेगी तभी भी कोई मन लगाकर कोई प्राइमरी डाटा एकत्र करेगा, अर्थात प्राथमिक समूहों को एकत्र कर सकता है, अपने अनुसंधान कार्य के लिए उपयोगी सूचनाएं एकत्र कर सकता है, लेकिन उसमें एक क्वालिटी, एक गुण नहीं है तो एकत्र नहीं कर सकता। तो सबसे पहले है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, वो स्वयं जाकर सूचनाएं को एकत्र करेगा। दूसरा है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान क्या होता है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, कि जब कोई अनुसंधान करता अप्रत्यक्ष रूप से, माने डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से किसी के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करता है। भाई पूछ लिया कि भाई बताइए इस गांव में, ये शहर में या इस क्षेत्र में कितनी आबादी है, कितने कितने टाइप के लोग हैं, महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी यदि पूछताछ करके, मौखिक मतलब है मुंही से पूछताछ करके जानकारी एकत्र करता तो उसे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहा जाता है। ठीक है, वैसे देखे होंगे अनुसंधान कार्यों में अधिकांशतः अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि बिजनेस स्टैटिक्स में यहां आंकड़े एकत्र करने का मतलब एक समझिए कि पॉपुलेशन की हम गणना कर रहे हैं, जनसंख्या की गणना करते हैं। देखते होंगे जब भी 10 वर्षों पे जनगणना होती है तो जनगणना कर्मी कई तरीके से जनगणना करते हैं, एक तो लिख लिख के कागज पर, एक डायरेक्ट मुंह से पूछकर। तो जो मौखिक होता है, मौखिक जानकारियां प्राप्त करते हैं, उसी जानकारियों को एकदम मौखिक कर दिया जाता है। मतलब वो आएगा आपके घर पे, पूछेगा भाई बताइए कितने लोग परिवार में है, 5 लोग 7 लोग 10 लोग जितने भी हैं, नौकरी पैसा है कि नहीं है, शिक्षित रोजगार बेरोजगार, गरीब अमीर, किस टाइप के लोग हैं, तो वो डाटा उससे एकत्र करेगा। ये क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहलाता। अगला है संवाददाताओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, संवाददाताओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। संवाददाताओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे संवाददाता हैं, जो भी हमारे संवाददाता है मतलब जो इंफॉर्मर हैं, उनके माध्यम से भी हम सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। देखते होंगे कोई भी न्यूज चैनल्स वगैरह हैं तो इनके जो संवाददाता होते हैं पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में, हर जगह फैले रहते हैं। ये क्या करते हैं कि अपने मतलब न्यूज एजेंसी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की जो सूचनाएं होते हैं एकत्र करते हैं, अपने न्यूज एजेंसी को भेजते हैं। ये क्या है? संवाददाताओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना कि जो इनके इन्फॉर्मर हैं, जो अनुसंधानकर्ता के इन्फॉर्मर हैं, उनसे हम जानकारी यदि प्राप्त कर रहे हैं अपने अनुसंधान कार्य के लिए तो एक प्राथमिक अनुसंधान, एक प्राथमिक समूहों का संकलन कहा जाए। अगला है सूचकों द्वारा अनुसूचियां व प्रश्नावली भरवाकर, सूचकों द्वारा अनुसूचियां व प्रश्नावली भरवाकर, व
प्रश्नावली भरवाकर। सूचकों द्वारा अनुसूचियां और प्रश्नावली भरवाकर मतलब क्या होता है? अभी पीछे वाले टॉपिक में आपको चला था कि अनुसूची क्या होता है, प्रश्नावली क्या होता है। देखे होंगे कि अनुसूची और प्रश्नावली लगभग दोनों एक ही जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। तो प्रश्नों की सीधे सीधे एक लिस्ट तैयार कर दी जाती है, लिस्ट तैयार कर दी जाती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पे पूछ के उत्तर लिखा जाता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बस उसमें हाँ या ना के बारे में जिक्र किया जाता है। तो इस टाइप के जब प्रश्नों को तैयार कर दिया जाता है और सारे व्यक्तियों से, हर एक प्रकार के लोगों से एक ही प्रकार के सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको यस या नो में उत्तर देना रहता है, या वो खुद उसमें अपना टिक लगा देते हैं जो उसके योग्य है, जो उसके लिए क्वालिफाई है तो अपना टिक लगा देते हैं। जैसे देखते होंगे आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे या अन्य किसी सोशल मीडिया वगैरह पे तमाम मतलब पोलिंग करते हैं। पोलिंग का मतलब है कि हाँ आज यहाँ से मैच हो रहा है, किसकी जीतने की संभावना है, तो सब लोग अपना अपना मत विचार व्यक्त करते हैं। उसी तरह वोटिंग होता है, तो वोटिंग वाले में भी उसमें भी पार्टियां उठ रही हैं, किसका ज़्यादा चांसेस है, तो अपना अपना लोग विचार व्यक्त करते हैं। तो इस तरह की जब अनुसूचियां और प्रश्नावली भरवा कर भी हम अनुसंधान से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवा कर, अब जिस तरह एक सूचक था वह अनुसूची को भरकर, प्रश्नावली को भरकर सूचनाएं देने के कार्य किया, उसी तरह जो प्रगणक होते हैं, आपको बताए थे कि सूचक किसे कहा जाता है, प्रगणक किसे कहा जाता है। सूचक मतलब होता है कि जो अनुसंधान कार्य में सूचना देता है, जानकारी देता है। सूचक प्रगणक मतलब कि जो अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान करता है, तो उसे प्रगणक। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा अनुसूचियां भरवा कर भी प्राथमिक समूहों को एकत्र किया जाता है। तो ये तो था आपका प्राथमिक समूहों का संकलन। क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि प्राथमिक समूहों का संकलन करने की कौन कौन सी विधियां हैं, समझाइए। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक समूहों को एकत्र किस प्रकार किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा कि क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है, काफी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो टू द पॉइंट्स मैंने लिखा और उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक समूह का आप लोग का खत्म। अब सीधे बढ़ते हैं द्वितीयक समूह को। प्रश्न यह है हमारा कि द्वितीयक समूहों का संकलन किस प्रकार किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। द्वितीयक समूहों का संकलन, समूहों का संकलन, संकलन माने होता है एकत्र करना, कलेक्शन करना, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। द्वितीयक समूहों का संकलन कैसे किया जाता है बताइए, ध्यान दीजिएगा। द्वितीयक समूहों के संकलन करने की दो रीतियां, जब भी किसी भी व्यक्ति को, अनुसंधानकर्ता को द्वितीयक सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करना होता है तो उसके लिए दो प्रकार की बातें मुख्य ध्यान में रखी जाती है। ये द्वितीयक जो समूह होते हैं दो तरीके से होते हैं। क्या होता है कि एक ऐसे डाटा जिसका प्रकाशन कराया जाता है और एक ऐसे डाटा जिसका प्रकाशन नहीं कराया जाता। कहने का मतलब है कि एक ऐसे डाटा जो कहीं पेपर में, मैगजीन में प्रकाशित है, छपा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमारे और आपके लिए वो न्यूज़पेपर का जो न्यूज है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। लेकिन एक न्यूज एजेंसी के लिए, एक संवाददाता के लिए वो न्यूज प्राइमरी डाटा कहलाएगा। तो ऐसे सूचनाएं हैं जो कहीं प्रकाशित हैं और ऐसी सूचनाएं कहीं प्रकाशित नहीं है। तो इन्हें दो पार्टों में बांटा गया। सबसे पहला है ई, प्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत, प्रकाशित स्रोत का मतलब होता है कि ऐसी सूचनाएं जो पहले से कहीं छपी छपाई हैं, लिखी लिखाई हैं, ठीक ना, यहां से हमें बस सूचनाएं प्राप्त कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक क्या है हमारे लिए, सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि ये पहले से पता नहीं कितने साल पहले से छपी चली आ रही है, कितने लोग इसको उपयोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं,
तो हमारे लिए क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। और सेकेंडरी डाटा का ये कौन सा पार्ट कहलाएगा? ये प्रकाशित स्रोत में, क्योंकि ये छपा हुआ है, ये बुक छपा हुआ है, उससे हम सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारा प्रकाशित स्रोत कहलाएगा। प्रकाशित स्रोत में कौन कौन से पार्ट आते हैं ये देखिए। सबसे पहला है सरकारी प्रकाशन, पहला है सरकारी प्रकाशन। प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन क्या होता है? सरकारी प्रकाशन का मतलब है ऐसे प्रकाशन, ऐसे जो सरकारी या गैर सरकारी या और सरकारी क्षेत्रों में या विभागों में या मंत्रालयों में विभिन्न विषयों पर, किसी भी उस विभाग से रिलेटेड किसी भी मुद्दे पर जो भी सूचनाएं होती हैं उसको प्रकाशित करवाई जाती हैं, ताकि आम जनता तक वो आसानी से पहुंच सके। ऐसे प्रकाशन को सरकारी प्रकाशन कहा जाता है। मतलब जब सरकारी विभाग के कार्यालय, विभागों, मंत्रालयों के द्वारा सरकारी सूचनाओं को, सरकारी कार्यों के बारे में कहीं प्रिंट कराया जाता है, छपवाया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि आम जनता तक ये सूचनाएं पहुंच जाए और लोगों की जानकारियां हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाशित स्रोत कहा जाता है, सरकारी प्रकाशन कहा जाता है। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कोई गजट वगैरह पेश कराया गया, ठीक ना, किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना दी गई, ताकि पब्लिक का जानना जरूरी है कि सरकार क्या कर रही है, इसे सरकारी प्रकाशन कहा जाता है। दूसरा है समितियों आयोगों की रिपोर्ट, समितियों व आयोगों की रिपोर्ट, व आयोगों की रिपोर्ट, की रिपोर्ट। समितियों आयोगों की रिपोर्ट क्या होती है? देखे होंगे देश में बहुत सारी कमिटीज बनती हैं, कमीशंस बनते हैं, उसमें किसी विशेष कार्य के लिए वो कमीशन या कमेटी स्थापित की जाती है, ठीक ना, और वो अपना कार्य पूर्ण करने के बाद सरकार को या जिस संस्था के द्वारा मतलब वो कमेटी बनाई गई है उसको अपना रिपोर्ट सुपुर्द करती है, ताकि वो बताए कि मैंने इस निर्धारित समय में ये इन चीजों का निरीक्षण किया, जानकारी प्राप्त किया, सूचनाएं एकत्र किया, और इस पर लास्ट फाइनल प्रतिवेदन, फाइनल रिपोर्ट ये है, अब आप समझिए, ठीक है। तो ये आयोग और समिति ये कहलाती है, ये किसी विशेष उद्देश्य या निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित समय के लिए गठित की जाती है, ठीक है। जब यह अपना रिपोर्ट सुपुर्द करती है जिस संस्था के द्वारा ये बनाई गई है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाशित स्रोत कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राष्ट्रीय श्रम आयोग है, राष्ट्रीय कृषि आयोग है, क्या क्या है? राष्ट्रीय श्रम आयोग है, राष्ट्रीय कृषि आयोग है, राष्ट्रीय कृषि आयोग है, या बहुत सारे एकाधिकार आयोग है, ठीक ना, या वित्त आयोग है, दुनिया भर का आयोग है। ये सब अपना रिपोर्ट जब साल में एक बार प्रस्तुत करती हैं, तो उसे समितियों आयोगों की रिपोर्ट कहा जाता है। अगला है व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों की रिपोर्ट, व परिषदों की रिपोर्ट, ठीक है। व्यापारिक संस्थाओं और परिषदों की रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? कि जितनी भी व्यापारिक संस्थाएं अपने व्यापार की जो भी गतिविधियां हैं, व्यापार पूरे साल में जो भी कार्य किए हैं, ये भी अपना प्रकाशित कराती हैं। जैसे बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, ठीक ना, सूती भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की रिपोर्ट, या जूट मिल एसोसिएशन की रिपोर्ट, या शुगर मिल एसोसिएशन की रिपोर्ट, ये जितने भी एक समान प्रकार के एसोसिएशन बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं व्यापार से रिलेटेड, तो ये क्या अपना रिपोर्ट देती है कि हमारे पूरे एक साल का कार्य का ब्यौरा ये है, इस पर ये लाभ, ये हानि हुआ, ठीक ना, इस साल मौसम अच्छा अनुकूल था व्यवसाय के लिए, इस साल मौसम अनुकूल नहीं था, इस तरह की अपनी रिपोर्ट देती है, जिसे व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों की रिपोर्ट कहा जाता है। अगला है पत्र पत्रिकाएं क्या होती है? मैगजीन्स एंड पेपर्स, न्यूज़पेपर। देखते होंगे कि न्यूज़पेपर जो वगैरह है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है, मैगजीनों के भी माध्यम से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। तो ये न्यूज़पेपर या एक निश्चित समय के लिए, मतलब एक दिन के लिए,
दो दिन के लिए या अनेकों समयों के लिए, मैगजीन भी है कुछ टाइमों के लिए, एक अपना रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट का मतलब है कि सूचनाएं विभिन्न प्रकार की प्रकाशित कराती है ताकि आम जनता तक ये सूचनाएं पहुंचे, जिसे हम पढ़ते हैं, हमें देश विदेश की खबरों के बारे में जानकारी होती है। ये सब क्या है? ये सब द्वितीयक समूहों के स्रोत है। इसे क्या कहा जाता? पत्र पत्रिका का प्रकाशन कहा जाता, पत्र पत्रिका का प्रकाशन कहा जाता। अब इसमें कोई भी पत्र पत्रिका भी आ जाएगा, कोई भी, जैसे इकोनॉमिक्स, टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर्स, ठीक ना, दैनिक अमर उजाला, हिंदुस्तान, ठीक ना, ये जितने भी प्रकाशित करती हैं लोग, ये सब न्यूज एजेंसियां, ये क्या कहलाता है? सब द्वितीयक समूह कहलाता है। अगला है विश्वविद्यालय व शोध संस्थाओं की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय व शोध संस्थाओं, संस्थाओं की रिपोर्ट, ये क्या होता है? देखते होंगे कि देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय और बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स भी हैं, ये भी अपने एक साल का पूरे कार्यकलाप का ब्यौरा साल में एक बार प्रकाशित कराती है, क्योंकि विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे एक साल का यह योगदान, यह उपलब्धियां, उन उपलब्धियों को हम आप तक पहुंचाने का ये कार्य करती है, ताकि लोगों को पता चले कि संस्था कौन सा कार्य कर रही है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, ये संस्था की प्रोग्रेस में है या नहीं है, ये अपनी उपलब्धियों के बारे में। जैसे देखने होंगे कि गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार जब बनती है तो कुछ समय कार्य करने के बाद अपने कार्यों का ब्यौरा जनता के सम्मुख रखती है, वो अपनी उपलब्धियों को बताती है कि मैंने इस दो साल में, एक साल में, पाँच साल में कौन सा कार्य किया, क्या कार्य किया, तो जनता के सामने प्रस्तुत करती है। तो क्या कहलाता है? ये सब सेकेंडरी डाटा कहलाता है, कि वो डाटा पहले से एकत्र है लेकिन आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, अर्थात अनुसंधानकर्ता को जिसको वो उस चीज की उपयोगिता है उसके तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है सब सेकेंडरी डाटा कहलाता है। तो विश्वविद्यालय व शोध संस्थाओं की रिपोर्ट हो गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रकाशन। ये है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रकाशन, संस्थाओं का प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रकाशन का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएनओ है, विश्व बैंक है, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, ये भी अपने पूरे साल का ब्यौरा जो भी है उनके द्वारा किए गए कार्य के डिटेल अपना एक रिपोर्ट में प्रस्तुत करती है कि इस साल में यूएनओ ने क्या किया, आईएमएफ ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, ताकि आम जनता तक पहुंचे और उसी से हम सूचनाएं एकत्र करते हैं कि आईएमएफ की रिपोर्ट क्या है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट क्या है, डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट क्या है, तभी तो पता चलता है कि व्यापार किस हिसाब से हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन किस तरह से हुआ। तो ये क्या कहलाता है? सब सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आते हैं। अगला है बाजार समाचार। बाजार समाचार, बाजार समाचार क्या होता है? देखते होंगे कि मार्केट का ही रेट होता है, यहाँ मार्केट का मतलब जनरल मार्केट लिए चाहे शेयर मार्केट लिए, प्रतिदिन अपना भाव का उतार चढ़ाव होता रहता है। बिजनेसमैन बैठा है अपने बिजनेस कर रहा है दुकान में, बैठ कर ही सारे देश दुनिया के बाजार में वस्तुओं के भाव का पता जानता है कि कहाँ क्या रेट चल रहा है, कहाँ क्या रेट चल रहा है, ये सब क्या है? सेकेंडरी डेटा का। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य आपका इतना है। तो ये पार्ट आपका ये है, इसी का एक बी पार्ट आता है अप्रकाशित स्रोत, ध्यान दीजिएगा अप्रकाशित स्रोत। ये अप्रकाशित स्रोत क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अप्रकाशित स्रोत का मतलब होता है कि ऐसी सूचनाएं, ऐसी जानकारियां, ऐसे डाटा जिसका प्रकाशन नहीं कराया गया, अर्थात वो कहीं खोजने से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अनुसंधानकर्ता को खुद खोजना रहेगा लेकिन छपा हुआ लिखा हुआ नहीं मिल पाएगा, तो उसे अप्रकाशित स्रोत कहा जाता है। अर्थात प्रकाशित स्रोत में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं लिखा रहता है, प्रकाशन कराया गया रहता है, कहीं कागज से लिखा, कागज पर लिखा गया रहता है, अप्रकाशित स्रोत में उसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं रहता, अनुसंधानकर्ता खुद अपनी उपयोगिता के अनुसार ऐसे सूचनाओं को एकत्र करता है और उसे आगे उपयोगी बनाने का कार्य करता है, तो इसे अप्रकाशित स्रोत कहा जाता है। ठीक है,
तो फिलहाल समंकों का संकलन जिसमें प्रकार, यहां पे आप क्वेश्चन क्या बन सकता है कि द्वितीय क्वेश्चन यहां पे कई टाइप के बनेंगे पूरे इस टॉपिक में, क्योंकि समंकों का संकलन टॉपिक खत्म हो गया, इससे ज्यादा नहीं है। समंकों का संकलन में पहला क्वेश्चन बन सकता है कि समंकों के संकलन से क्या आशा है, या समंक कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, तो प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि प्राथमिक और द्वितीय समंक क्या है, इन दोनों में अंतर बताइए, ऐसे भी हो सकता है। छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, या डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है छोटे क्वेश्चनों में प्राथमिक और द्वितीय समंक में अंतर बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राथमिक और द्वितीय समंकों को एकत्र करने की कौन कौन सी विधि आती है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटे में आइए, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की कौन कौन सी विधियां हैं, या विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए प्राइमरी का। उसी तरह पर सेकेंडरी का भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय समंकों का संकलन किस प्रकार किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो इस चैप्टर में आपका इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन लगभग कुछ सेम है, लेकिन कुल मटेरियल इतना ही है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टॉपिक मैं आपका शुरू करूं, वर्गीकरण एवं सारणी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूंगा कि जो भी बाबू चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों में थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप रिस्पांस देंगे तो मैं भी आपको रिस्पांस दूंगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा, पूरा बिजनेस स्टैटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कवर किया जाएगा, ठीक ना। यहां तक कि आपको क्वेश्चन लगाने के लिए मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि एक एक करके मैं सारा क्वेश्चन लगाऊं, हाँ एक मेथड पर मैं एक सवाल क्वेश्चन जरूर बताऊंगा फार्मूले के साथ ही, लेकिन अभी फार्मूला नहीं आएगा। इस लेक्चर के बाद आपको रूल बताएंगे एक लेक्चर में, अर्थात जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें केवल रूल रहेगा, उसके बाद से मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। फिलहाल जल्दी से नोट करिए, थोड़ा सा पानी पिया, ठीक है। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, अब मिटाते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण एवं सारणियां, वर्गीकरण एवं सारणियां, ठीक है। वर्गीकरण और सारणियां, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ये ध्यान दीजिएगा। आप भी जिस बिजनेस स्टडीज के बुक से पढ़ रहे होंगे, जो मैं यहां टॉपिक लिखता हूं वो समझिए वो चैप्टर आपके बुक में होगा, चाहे जिस नंबर पे हो उससे मतलब नहीं है, वो टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना है, और वो टॉपिक खोल लीजिएगा, इसे मैच कर लीजिएगा, आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर कि वर्गीकरण और सारणी, ये दो चीजें दिया गया है इस नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक ना। पहले था समंकों का संकलन या समंकों के प्रकार। वर्गीकरण और सारणीयन होता क्या, ध्यान दीजिएगा। यहां पे वर्गीकरण एक अलग चीज है और सारणीयन एक अलग चीज है, ठीक। वर्गीकरण का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन होता क्या है कि जब किसी भी प्रकार के आंकड़े को, किसको, किसी भी प्रकार के आंकड़े को, डाटा को, सूचना को, समंक को, उसकी समानता या असमानता के आधार पर, किसके आधार पर, समानता या असमानता के आधार पर, उसकी रूपता व अनुरूपता के आधार पर, उसके गुणों व गुणों के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर विभाजित किया जाता है, किसके आधार पर, समानता व असमानता के आधार पर क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। कि जब हम किसी भी प्रकार के डाटा या सूचनाओं या आंकड़ों को उनकी समानता या असमानता, गुणों अवगुणों, रूपता अनुरूपता के आधार पर विभाजित करते हैं, पार्ट वाइज करते हैं, डिवाइड करते हैं,
तो उसे क्या कहा जाता है? वर्गीकरण कहा जाता है। क्योंकि जब कोई भी डाटा हम एकत्र करते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना को एकत्र करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि कौन उपयोगी है, कौन अनुपयोगी है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है। इस चीज को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखे होंगे कि आपका विज्ञान का जैसे पेपर है, पेपर तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका एग्जाम पहले है, तो उसको हम पहले पढ़ें। तो उसी तरह किसी भी सूचना या डाटा को हम उसकी समानता समानता के आधार पर डिवाइड करते हैं, तो ये वर्गीकरण कहा जाता है। अब वर्गीकरण में ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति मतलब पर्सन, एक व्यक्ति का मतलब पर्सन। पर्सन को हमने दो पार्टों में बांट दिया, क्या? एक और पुरुष और एक और महिला। ये क्या कहलाएगा? ये वर्गीकरण कहलाएगा। इसमें हमने किस तरीके से डिवाइड किया कि व्यक्ति क्या है? एक डाटा है, एक सूचना है, एक आंकड़ा। जैसे मान लीजिए किसी गांव या शहर के हमने जनसंख्या नोट किया, तो कुल जनसंख्या 1000, 2000, 4000, 10000 जो भी है एकत्र किया। अब इसमें समानता या असमानता के आधार पर इसमें दो पार्टों में हमने डिवाइड किया। हमने यह जानने का प्रयास किया कि इतने लोग हैं कुल मिलाकर। अब प्रश्न यह है कि इसमें पुरुष कितने हैं और महिला कितने हैं, तो क्या कहलाएगा? वर्गीकरण कहलाएगा। और भी इसमें चाहें तो हम इसमें पार्टनर्स कर सकते हैं। कैसे पार्टनर्स कर सकते हैं? कि इसमें मान लीजिए और भी दो पार्ट में आ जाइए, इसमें हम विवाहित, अविवाहित, विवाहित एंड अविवाहित, ऐसे भी कर सकते हैं। और भी इसमें पार्टनर्स कर सकते हैं, क्या विवाहित अविवाहित में हो सकते हैं? रोजगार, बेरोजगार, रोजगार, इसमें भी दो पार्ट, इसमें भी बेरोजगार, रोजगार, बेरोजगार। और भी पार्टनर्स कर सकते हैं, शिक्षित, अशिक्षित, कुछ भी हो सकता है। कि जब हम किसी भी प्रकार की सूचनाओं को हम उनकी समानता असमानता, मेरिट एंड डिमेरिट के आधार पर, ठीक ना, डिवाइड कर दिए और उस सूचनाओं को हम अपने कार्यों में, अपने अनुसंधान कार्यों में उपयोगी बनाए, तो क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। प्रश्न यह है कि यह वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण के क्या उद्देश्य होते हैं? कुछ उद्देश्य भी जान लीजिए कि किस उद्देश्य से ऐसा वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण का सबसे पहला उद्देश्य होता है तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। क्या होता है? तथ्यों को सरल रूप में, सरल रूप में प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। इसका मतलब है कि अभी जो समानता असमानता के आधार पर हम किसी भी सूचना को डिवाइड किए, तो इसका मेन मकसद है कि तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, इकट्ठे पूरा मैटर दे दिया जाए। मान लीजिए आपको बीकॉम में पढ़ना है, सारा एक के में दे दिया जाए, आप डिवाइड कर पाएंगे कौन पहला पेपर है कौन दूसरा पेपर है? लेकिन यदि उसी को पार्टनेस कर दिया जाए, पार्ट पार्ट में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कर दिया जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फला है, ये फला है, ये फला। उसी तरह जो भी समन या डाटा हमने क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, तो उन तथ्यों को ये सरल रूप प्रदान करता है। पता चल जाएगा झटते कि महिला कितना है, पुरुष कितना है, बच्चे कितने हैं, व्यस्त कितने हैं, शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, विवाहित कितने हैं, विवाहित कितने हैं। दूसरा है समानता और असमानता को स्पष्ट करना। क्या है? समानता व असमानता स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। मतलब कि वर्गीकरण हमें मेरिट डिमेरिट अर्थात समानता इक्वलिटी अनइक्वलिटी को डिवाइड करता है कि इक्वल कौन है, अनइक्वल कौन सा है, ठीक है। तीसरा है तुलना में सहायक, तुलना में सहायक। वर्गीकरण क्या होता है? तुलना करने में सहायता प्रदान करता है। कैसे? अब पता चल जाएगा कि व्यक्ति टोटल इतने, उसमें से पुरुष इतना, महिला इतना। इसके मतलब यह, इस यहां पता हमको ये लग जाएगा कंपेरिजन करने में कि पुरुष अधिक है कि महिलाएं अधिक है, दोनों में कंपेरिजन हो सकता है, ठीक है। तो तुलना करने में ये सहायता करता है। पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध स्पष्ट करता है, संबंध स्पष्ट करता है।
पारस्परिक संबंध मतलब कि इन दोनों में रिलेशनशिप भी ज्ञात करने का वर्गीकरण कार्य करता। अगला, यह एक मानसिक चित्र प्रस्तुत करता है, एक मानसिक चित्र प्रस्तुत करता है, चित्र प्रस्तुत करता है मतलब यह दिमाग में पहले से सेट करा देता है कि हाँ आबादी इतनी है, कुल आबादी इतनी, मैंने पुरुष इतना, महिला इतना, शिक्षित इतना, अशिक्षित इतना, एक फिगर दिमाग में तय हो जाती है। और लास्ट, यह वर्गीकरण सारणियन का आधार प्रस्तुत करता है, सारणियन का आधार प्रस्तुत करता, प्रस्तुत करता है। मतलब ये सारणियन के लिए भी काफी उपयोगी है, क्योंकि जब तक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन नहीं किया जाएगा तब तक टेबुलेशन भी नहीं किया जाएगा, इसलिए ये सारणियों का आधार प्रस्तुत करता। तो यही आपका वर्गीकरण का हुआ उद्देश्य। ठीक है, प्रश्न अभी यहाँ पे ये भी उठता है कि वर्गीकरण की कौन कौन सी रीतियां, ये भी जान लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। वर्गीकरण की रीतियां या विधियां, ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण की क्या विधियां, वर्गीकरण के कौन कौन से विधि, अभी इसको मिटाएंगे तब सारणियां आपको लिखेंगे, पहले वर्गीकरण की विधियां बताओ। देखिए, वर्गीकरण की दो विधियां, ध्यान से समझिएगा, एक संख्यात्मक विधि और एक गुणात्मक विधि। क्या है? एक संख्यात्मक विधि और दूसरी विधि हमारी है गुणात्मक विधि। गुणात्मक विधि, हम जहां भी वर्गीकरण का कार्य करते हैं तो यह वर्गीकरण दो ही टाइप के होते हैं, संख्यात्मक मेथड से कलेक्ट किया जाता है और गुणात्मक मेथड से कलेक्ट किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि संख्यात्मक मेथड से वर्गीकरण क्या है और गुणात्मक माध्यम से वर्गीकरण क्या है। संख्यात्मक मतलब है कि जब किसी भी प्रकार के डाटा को, किसी भी प्रकार की सूचनाओं को, सूचनाओं का जब वर्गीकरण करते हैं, लेकिन वो वर्गीकरण इस आधार पर करते हैं कि उनकी संख्या के आधार पर, ठीक ना, परसेंटेज के आधार पर, रेट के आधार पर, अनुपात के आधार पर, मतलब ऐसे हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया जाए कि उसका मान, उसकी वैल्यू संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकते, चाहे वो संख्यात्मक रूप आपका परसेंटेज हो या रेट हो या संबंधे हो या किसी भी प्रकार का अनुपात या रेशियो हो, ठीक ना। इसके आधार पर यदि व्यक्त किया जाता है तो उसे संख्यात्मक विधि कहा जाता है। और गुणात्मक विधि क्या होता है कि जब हम क्लासिफिकेशन आंकड़ों की विशेषता, गुणों, स्वभावों के आधार पर किया जाता है, जैसे कि बुद्धिमानी, ईमानदारी, चरित्र, स्वभाव, गरीबी, अमीरी, इस आधार पर, मतलब कि उसमें वो गुण दिखे, क्वालिटी दिखे, क्वालिटी के आधार पर उसको डिवाइड किया जाता है, उसके गुणों के आधार पर, मेरिट एंड डिमेरिट के आधार पर डिवाइड किया जाएगा तो गुणात्मक विधि कहलाएगा, और संख्या के आधार पर किया जाएगा। हाँ, हाई रैंक वाले, जैसे मान लीजिए एक कॉलेज में मान लीजिए नंबर पाए, कोई फर्स्ट डिवीजन पाया, कोई सेकंड डिवीजन पाया, कोई थर्ड डिवीजन पाया, कोई फेल हो गया, तब वहां पे चार पार्टों में डिवाइड किया गया, उसमें क्या हुआ, फर्स्ट डिवीजन वाले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक ना, ये क्या कहलाएगा, संख्यात्मक विधि कहलाएगा। लेकिन वहीं पे हम उनकी गुणों और विशेषताओं के आधार पर किए गए, ये तो बहुत जेंटलमैन है, एक लाइन में रहा, ये भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा उससे कम है, ये दूसरे लाइन में, ये तो बिल्कुल नालायक है तीसरे लाइन में, ये क्या कहलाता है, गुणात्मक विधि। उनकी चरित्र, स्वभाव, नेचर, बुद्धिमानी, सुंदरता, ठीक ना, इस आधार पर जब डिवाइड किया जाता है तो वर्गीकरण हमारा गुणात्मक विधि कहलाता है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर सारणियां आपको बताते हैं, मिटाए। अगला जो हमारा टॉपिक इसमें का है, वर्गीकरण तो हो ही गया, अब सारणियन पे चलते हैं कि सारणियन होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो बाबू तो जल्दी से आप लोग लाइक करने के बाद अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़े और आप भी पढ़ते रहें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है इसी में का, वर्गीकरण और सारणियों का, सारणियों, टेबुलेशन इसको कहा जाता है हिंदी में। अब सारणियों क्या होता है, एक सिंपल तौर पर मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमने कोई चीज बनाया,
एक आयताकार शिव। जब हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, समझिएगा, हमने एक वर्गाकार एक आयत बनाया, इसको खड़ी लाइनों में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ एक नंबर वाला, दो नंबर वाला, तीन नंबर वाला, चार नंबर वाला, या ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, एंड डी ग्रेड, या किसी भी आधार पर, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, कुछ भी हो सकता है, यह कहलाएगा हमारा वर्गीकरण। ध्यान से समझिएगा, यह चीज कहलाएगा वर्गीकरण। लेकिन इस जब वर्गीकरण को हम ऐसे कर दिए, ठीक ना, तो क्या कहलाएगा, सारणियन कहलाएगा। मैंने इसमें टेबल हम बना दिए, कबूतर खाने वाला जिस तरह फाइलिंग होता, तो ये क्या कहलाएगा, सारणियन। इसका मतलब क्या होता है, सारणियन होता क्या है? कि जब वर्गीकृत आंकड़ों को, जब विभिन्न वर्गीकृत आंकड़ों को विभिन्न खानों, विभिन्न पंक्तियों, विभिन्न शीर्षकों व उपशीर्षकों में विभाजित कर दिया जाता है, वर्गीकृत आंकड़ों को विभिन्न खानों, विभिन्न पंक्तियों या विभिन्न शीर्षकों या उपशीर्षकों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक ना, ताकि और थोड़ा सा छोटा छोटा पार्ट हो जाए, तो इसे सारणियन कहा जाता है। सारणियन हमेशा वर्गीकरण के बाद किया जाता है। जब तक किसी भी प्रकार की सूचनाओं का जब तक वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, तब तक उसका सारणियन नहीं किया जाता। सारणियन का मतलब है कि किसी भी चीज को बहुत ही छोटे छोटे भागों, टुकड़ों, खंडों में विभाजित कर देना, यह हमारा क्या कहलाता है, सारणियन कहलाता है। अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि एक ये आपका चौकोर कॉलम है जिसको ऐसे खड़ी लाइनों में चार पार्टों में हमने विभाजित किया, तो ये वर्गीकरण। लेकिन उसी को ऐसे टेढ़ा, मतलब स्ट्रेट एकदम 180 डिग्री पर खींच दिया, तो क्या कहलाएगा, सारणियन। क्योंकि हमने सारणियन से भी छोटा हमारा रूप होता है वर्गीकरण, अर्थात वर्गीकृत आंकड़ों को विभिन्न पंक्तियों, विभिन्न रो, विभिन्न शीर्षकों, उपशीर्षकों में डिवाइड कर देते हैं, खानों में डिवाइड करते हैं, तो यह हमारा क्या कहलाता है, सारणियन कहलाता है। सारणियन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनके गुणों और स्वभावों के आधार पर और भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। प्रश्न ये उठता है कि इस सारणियन के उद्देश्य क्या है, आखिर ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है, क्यों किया जाता है। तो सारणियन का हमारा पहला उद्देश्य है अनुसंधान का उद्देश्य प्रकट करना। पहला है अनुसंधान का उद्देश्य प्रकट करना। मतलब सारणियन इसलिए किया जाता है कि अनुसंधान कार्यों में छोटे से लेकर बड़े विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। जिस सूचनाओं की आवश्यकता जिस स्थान पर, जिस जगह पर होती है, वहीं पर उसका उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि उपयोगी तो सारी सूचनाएं होंगी, लेकिन हर वक्त सारी सूचनाओं का उपयोग एक समय में नहीं किया जा सकता, उसको स्टेप बाय स्टेप उपयोग किया जाता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि सबसे पहले आंकड़ों को वर्गीकृत करें और उसको भिन्न भिन्न पार्टों में बांट दे, ताकि अनुसंधान के उद्देश्यों को ठीक ढंग से पूर्ण कर सके। अगला है तथ्यों व विशेषताओं का स्पष्टीकरण। तथ्यों व विशेषताओं का स्पष्टीकरण। जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उनको वर्ग सारणियन में क्या किया जाता है, प्रत्येक की एक अलग अलग विशेषता होती है। इस तरह एक देखे होंगे ऑफिस है, ऑफिस ऐसे ही, आजकल सब कंप्यूटर का जमाना है, ऑफिस में क्या होता है, एक चैम्बर इधर बना दिया जाता है और ये सब छोटे 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 काउंटर बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे काउंटर का चैम्बर बना दिया जाता है, बीच में रास्ता दे दिया जाता है, ताकि हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक विशेषता रखता है, अपने आप में एक क्वालिटी रखता है, ताकि किसी भी इस मैनेजर को किसी भी डिपार्टमेंट माने चीज की जानकारी रहे, तो उस जानकारी से रिलेटेड डिपार्टमेंट में तुरंत संपर्क करेगा,
ये सब क्या है, इस टेबुलेशन का काम है, सारणियन का काम है। ठीक है, अगला क्या है, न्यूनतम स्थान पर तथ्यों का, अगला है न्यूनतम स्थान पर तथ्यों का प्रस्तुतीकरण, न्यूनतम स्थान पर तथ्यों का स्पष्टीकरण। सारणियन का एक और उद्देश्य होता है, इसका प्रयास रहता है कि जो भी हमें छोटे छोटे तथ्य चाहिए वो एक न्यूनतम स्थान पर, कम जगह पर, ठीक ना, उपलब्ध रहे, ताकि हम जाएं तो तुरंत वहां से उसको निकाल लें, उसका उपयोग कर। देखते होंगे घरों में खाना वाना बनता है, जैसे फंक्शन वंक्शन रहता है, बहुत सारे आइटम्स बने रहते हैं, सब पार्ट 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 में रखे रहते हैं, हमें जब जरूरत पड़ती है जाके एक चीज को निकाल लेते हैं। क्या है ये सब, सारणियन का काम। आगे है सांख्यिकी विश्लेषण को सुगम बनाना, सांख्यिकी विश्लेषण को सुगम बनाना, सांख्यिकी विश्लेषण को सुगम का मतलब सांख्यिकी का जो एनालिसिस करते हैं, सांख्यिकी का जब सवाल हल करते हैं, सांख्यिकी की जो गणितीय क्रियाएं की जाती है उनको सरल बनाने के लिए ही टेबुलेशन का काम, सारणियन का काम किया जाता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है कि वर्गीकरण और सारणियन में क्या अंतर है, लेकिन अंतर जानने से पहले एक और टॉपिक में बताऊंगा कि एक अच्छी, एक उत्तम सारणी के आवश्यक लक्षण क्या होने चाहिए, एक अच्छी सारणी के आवश्यक गुण। एक अच्छी सारणी में कौन कौन से आवश्यक गुण विद्यमान होने चाहिए। कोई भी टेबुलेशन का काम करते हैं, कोई भी सारणी हम बनाते हैं, तो सारणी ऐसे हो जो आकर्षक हो, आकर्षक मतलब एकदम अट्रैक्टिव, अर्थात देखने वाले को मन करेगी एक बार और देखे, तो क्या होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, सारणी आकर्षक। दूसरा क्या होना चाहिए इसमें, क्योंकि अट्रैक्टिव रहेगा तभी उपयोग करेगा, आज अट्रैक्शन का ही जमाना है, प्रबंध योग्य हो, प्रबंध योग्य हो। इसका मतलब क्या है कि टेबुलेशन ऐसा हो जिस पर मैनेजमेंट कंट्रोल पावर का इस्तेमाल आसानी से किया जा सके, अर्थात उस पर नियंत्रण किया जा सके, ऐसा नहीं कि पूरा एरिया दे दिया गया आपको कि आप इसको हैंडल करेंगे और आपका मन का है ये नहीं है, क्या करेंगे, टेबुलेशन करेंगे। छोटे छोटे देखते होंगे, इतना बड़ा देश है अपना, हर देश की बात कर रहे हैं, देश से राज्य बनते हैं, राज्य से क्या बनता है, राज्य के नीचे क्या आता है, मंडल आता है, मंडल के नीचे जिला आता है, जिला के नीचे तहसील ब्लॉक गांव आते हैं, सब पर एक कंट्रोलिंग पावर लगाया गया, ये क्या है, ये सब टेबुलेशन का काम है। फिर अगला विशेषता क्या है कि तुलनीय हो, तुलनीय मतलब टेबुलेशन ऐसा हो कि तुलना करने आसानी से किया जा सके। अगला टेबुलेशन उद्देश्य के अनुरूप हो, उद्देश्य के अनुरूप हो, माने टेबुलेशन ऐसे हो कि जो हमारे अनुसंधान कार्य के लिए, सांख्यिकी आंकड़ों के लिए, उद्देश्य के लिए अनुरूप हो। अगला है किसमें वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग किया गया हो, वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग, वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करेंगे तभी यूज में आएगा। और लास्ट में टेबुलेशन ऐसा हो जो स्पष्ट हो, जब तक स्पष्ट नहीं रहेगा तब तक उसको उपयोगी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तब इसी तरह एक अंतिम टॉपिक इस पर बनता है कि वर्गीकरण और सारणियन में अंतर, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, नोट कर ही लिए होंगे, ज्यादा पॉइंट नहीं है, दो तीन पॉइंट है, इसको बता देने के बाद से आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण एवं सारणियन में अंतर, सारणियन में अंतर,
ध्यान दीजिएगा, इसको दो पार्ट में कर दीजिएगा, एक ओर हो जाएगा वर्गीकरण और दूसरे तरफ हो जाएगा सारणियां। काफी इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, अभी मैं बताऊंगा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण जो होता है ये पहले किया जाता है। वर्गीकरण का कार्य क्या किया जाता है? ये पहले किया जाता है। इसका पहला क्या होगा? सारणियन जो होता है वो क्या होता है? वर्गीकरण की बाद किया जाता है, किया जाता है। मतलब कि सबसे पहले हम वर्गीकरण करते हैं, उसके बाद सारणियन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सारणियन बनाने के बाद से तब वर्गीकरण हम बनाए, ठीक ना। वर्गीकरण में क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार के जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों को समानता समानता व असमानता असमानता के आधार पर बांटा जाता है, आधार पर बांटा जाता है। इसमें समानता व असमानता के आधार पर डिवाइड किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें विभिन्न शीर्ष को, उपशीर्ष को वो पंक्तियों के आधार पर बांटा जाता है। इसमें विभिन्न शीर्ष को, विभिन्न शीर्ष को, उपशीर्ष को, उपशीर्ष को के आधार पर बांटा जाता है। और क्या होता है कि जो वर्गीकरण होता है, सांख्यिकी विश्लेषण की एक प्रक्रिया होती है, सांख्यिकी विश्लेषण की एक प्रक्रिया होती है। जो वर्गीकरण होता है यह क्या होता है? विश्लेषण की, विश्लेषण की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जबकि सारणियन क्या है? समंकों को प्रस्तुत करने की एक विधि। ये क्या है? यह समंकों को, समंकों को प्रस्तुत करने की, प्रस्तुत करने की एक क्या है? विधि, एक मेथड होती है, ठीक है। अगला है कि जो वर्गीकरण है वो यंत्रवत प्रक्रिया, सारणियन जो है यंत्रवत प्रक्रिया, जबकि वर्गीकरण क्या है? यंत्रवत प्रक्रिया नहीं। ये क्या है? वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या होता है इसमें? इसमें मेरिट डिमेरिट, मेरिट डिमेरिट, समानता असमानता, ठीक ना, के आधार पर डिवाइड किया जाता है। वर्गीकरण मानवीय एक तरह से क्रिया है, समझिए मानवीय एक क्रिया। और यह क्या है कि यह एक यंत्रवत क्रिया, यंत्रवत क्रिया माने मशीनी क्रिया। यही इसके छोटे से चार्ट हुआ, अंतर दिए गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो आपका टॉपिक वर्गीकरण और सारणियन पढ़ाए, इस पर आपका क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन, वर्गीकरण और सारणियन से क्या आशय है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक क्वेश्चन बन सकता है। या छोटे क्वेश्चनों में वर्गीकरण क्या है पूछ दे, सारणियन क्या है पूछ दे, या दोनों में अंतर पूछ दे छोटे क्वेश्चनों में। या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्गीकरण क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सारणियन किसे कहते हैं और यह क्यों बनाया जाता है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक अच्छी सारणियन के गुण बताइए या एक प्रभावशाली सारणियन के आवश्यक लक्षण बताइए। तो कोई भी क्वेश्चन इस पर बन सकता है। इससे जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, एकदम पक्का। तो इस तरह आपका ये दो लेक्चर्स खत्म किए, एक तथा समंकों का संकलन, एक है वर्गीकरण एवं सारणियन। नेक्स्ट लेक्चर में आप जानेंगे, पहले से तैयार हो जाइए, बंद मत करिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे आवृत वितरण की रचना, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूरे लेक्चर में केवल आप ये जानेंगे कि बिजनेस स्टैटिक्स का सवाल कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए जितने भी रूल है जिसमें आप पढ़ेंगे श्रेणियां,
कि श्रेणियां कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक श्रेणियों की विशेषता क्या है, उसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं, इन श्रेणियों में भी जैसे व्यक्तिगत खंडित वर्गीकृत है, वर्गीकृत श्रेणी कितने प्रकार के हैं, व्यक्तिगत से उसे वर्गीकृत में कैसे बदलते हैं, व्यक्तिगत से खंडित में कैसे बदलते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक ना, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है, इस सारी चीजों के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर चलेगा यूनिट लेक्चर नंबर 4, चूंकि लेक्चर नंबर आपका 3 है। तो चैनल पर इसी तरह बने रहिए, और भी वीडियो जानने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाबू लास्ट बात कह रहे हैं कि फ्रेंडों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय।